आइए एक और कहानी। एक भक्त था और वो अपने ईश्वर को, परमात्मा को बहुत मानता था। बहुत ही चाव से अपने ईश्वर की, परमात्मा की सेवा किया करता था। एक दिन भगवान से कहने लगा कि मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, इतनी सेवा करता हूँ, लेकिन मुझे आपकी अनुभूति नहीं हुई है, मुझे आपका एहसास नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि आप भले ही मुझे दर्शन ना दें, लेकिन कुछ ऐसा करें कि मुझे आपकी अनुभूति हो, आपका एहसास हो, मैं आपको महसूस कर सकूं कि आप मेरे साथ हो। भगवान ने कहा, ठीक है, तुम रोज सुबह सैर पर जाते हो और ध्यान से देखना, तुम्हारे जो दो पैरों के निशान है ना, कल से तुमको दो पैरों के निशान और मिलेंगे। यानी वो जो दो पैरों के निशान होंगे ना, वो मेरे पैर के निशान होंगे और मैं तुम्हारे साथ साथ चलूंगा और तुम मुझको महसूस कर पाओगे। तो अगले दिन वो सैर पर गया। अब वो समुद्र किनारे चल रहा है, वो क्या देखता है कि उसके पैरों के निशान के साथ साथ में दो पैरों के निशान और बन रहे थे। जैसे ही वो दो कदम चलता तो दो निशान पैरों के और उसके साथ में चलते। वो देख के बड़ा खुश हुआ कि मेरा भगवान आज मेरे साथ चल रहा है। उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन क्या हुआ, एक बार उसको व्यापार में घाटा हो गया और उसकी मकान, दुकान, व्यापार सब ठंडे पड़ गए, सब बिक गए और जो उसके अपने थे वो छोड़कर चले गए। जैसा हमेशा होता है, दुनिया की रीत है ना, जब बुरा वक्त आता है तो सब छोड़ के चले जाते हैं। और उसी तरीके से वो समुद्र के किनारे टहल रहा होता है, सैर के लिए जा रहा होता है। अब वो सैर पर गया तो क्या देखता है कि जो उसके साथ में दो निशान थे, वो दो पैरों के निशान थे, वो साथ में गायब हो गए। अब उसको अपने ही जो दो पैरों के निशान थे वो नजर आ रहे थे। उसने कह दिया, अरे वाह, ये कैसा बुरा वक्त है, अब तो मेरे भगवान ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। कुछ समय बाद उसका समय अच्छा आना शुरू हो जाता है, तो उसका व्यापार चलने लग जाता है, मकान दुकान वापस आ जाते हैं, जो लोग उसको छोड़कर गए होते हैं वो लोग वापस आना शुरू हो जाते हैं। अब क्या देखता है कि वो फिर सैर को जाता है, जो दो निशान पैरों के साथ में चलते थे वो वापस आ गए हैं। अब वो भगवान से पूछता है, वाह भगवान, तुमने तो मेरे बुरे वक्त मेरा साथ ही छोड़ दिया था। तो भगवान ने कहा, अरे तू समझा नहीं, मैं तो हमेशा से ही तेरे साथ था, तू देख नहीं पाया मुझे। जब तेरा बुरा वक्त आया ना, तो वो जो दो पैर के निशान थे वो तेरे नहीं थे, वो मेरे थे। अरे पगले, मैंने तो तुझे उस समय अपनी गोद में उठा लिया था, तेरे बुरे वक्त में मैं तुझे अपने साथ अपनी गोद में उठाकर चल रहा था। ये कहानी हमको ये सिखाती है कि हमको कभी भी अपने अच्छे या बुरे वक्त में अपने परमात्मा को नहीं भूलना चाहिए, वो हमेशा हमारे साथ रहता है। कुछ बातें बताना चाहूँगा, जब आपका अच्छा वक्त होता है ना, अपने उस परमात्मा को धन्यवाद ज़रूर कहा करो। जब भी अपनों के साथ बैठो, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठो, उस परमात्मा का धन्यवाद करो, क्योंकि कुछ लोग इन लम्हों के लिए तरसते हैं। जब भी अपने काम पर जाओ तो उस परमात्मा का धन्यवाद कहो, क्योंकि आज भी इस दुनिया में बहुत से लोग बेरोजगार हैं। परमात्मा का धन्यवाद कहो जब तुम्हारी अच्छी सेहत हो, तुम तंदुरुस्त हो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेहत को किसी भी कीमत पर नहीं खरीद सकते हैं, बीमार हैं वो। परमात्मा का धन्यवाद कहो कि तुम जिंदा हो, क्योंकि जिंदगी की कीमत उन लोगों से पूछो जो अपनों को खो चुके हैं।